हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का आसिफा कुक और लुक में। तो आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं कुछ न्यू, कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और आज है लास्ट टाइम की वीडियो के क्वेश्चन के आंसर का भी दिन, तो मैं आप लोगों को इसी बीच में आंसर भी बताऊंगी और मैं अपनी रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो चलिए, ये सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से देखे। बहुत सारे लोग ने सही जवाब दिए और बहुत सारे लोग ने गलत जवाब दिए, तो आंसर तो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले आइए, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, आज मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ हमेशा की तरह शेयर कर लूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, और उसके जो मसाले इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो सारे मैंने अभी लेके बैठी हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज बकरे की चाप। जी हाँ, मेरे पास कुछ चाप्स पड़ी हुई थी तो उनको मैंने निकाला। बहुत ही मतलब ऑयली थी, बहुत उसमें वो था चर्बी वगैरह। अच्छे से क्लीन करके धो के, कम से कम 6-7 पानी से उसको अच्छे से मैंने धो के अब लेकर आई हूँ। आइए दिखाती हूँ उसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो ये देखिए, वैसे तो मुझे याद नहीं था वीडियो बनाना, फिर जानू ने मेरे बोले, अभी तो सो रहे हो, जानू ने बोले थोड़ा सा बना डालो, पब्लिक के साथ शेयर कर लो, अच्छा बन जाएगा तो अच्छा है, सब ट्राई करेंगे। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने अदरक लहसुन का एक पेस्ट आज पैकेट मैंने मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास घर में ना मसाला सब खत्म हो गया है। अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारी चीज, कांदा, टमाटर सब खत्म हो गया है। तो अभी मैं मार्केट जाऊंगी लाने, पर मैंने सोचा पहला मैं इसमें सारे मसाले डाल लूं। जो दूम यहाँ से जा रही है उस पर ध्यान मत देना, मेरा चुन्नू अंदर जाए यहाँ बैठा। तो अदरक लहसुन अभी जाऊंगी मैं सब लेकर आने के लिए जा रही हूँ बाजार। तो मैंने सोचा पहला मसाला इसका रेडी करके इसको अंदर रख दूं, क्योंकि इसको अभी रात के लिए मतलब पहले से मैरिनेट करके रख रही हूँ, ताकि थोड़ा गोश्त चूजी हो जाए, नरम हो जाए, पकाने के टाइमिंग पे ज्यादा टाइम ना लगे। वैसे ये मुर्गी नहीं है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि चिकन वगैरह तो जल्दी बन जाता है, पर मटन तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं बिना कुकर के, तो देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं। हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से गलाने की, बाद में देखेंगे कि लोग हमें क्या देते हैं लाइक में और मार्क्स में, देखेंगे इंशाल्लाह। चलो आओ इंग्रेडिएंट्स दिखाऊं। तो ये मेरे पास, मैंने 2 दिन पहले अभी बनाया था मसाला, तो वो मेरे पास थोड़ा सी मैंने निकाल के रख दिया था, किसी और चीज में काम आएगा बोल के। तो इसमें अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, कोथमीर, सौंफ, और सौंफ है, और शाहजीरा है, और इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी चीज है, और अक्खी धनिया है थोड़ी सी। तो ये मेरा वो मसाला है, ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया, मेरे पास 1 चम्मच पड़ा था, और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। और ये है हमारे गरम मसाले, मैंने लिया है ये देख सकते हो आप लोग, ये मेरा जीरा पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच हल्दी। तो हल्दी आधे से भी थोड़ा कम लिया है मैंने, 1/2 चम्मच ले लीजिएगा आप लोग। और ये लिया है मैंने गरम मसाला, गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, लेकिन यहाँ नीचे नमक के दब गया है तो आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिखेगा। और मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार, जितना हम लोग खाते हैं उस हिसाब से। अगर मेरे से मसाला बोलने में कुछ गलती हो गई तो आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट में, लेकिन फिलहाल तो मैंने सब सही बताया जहाँ तक मेरा ख्याल है। और ये मैं ले रही हूँ दही, दही मैंने लिया है 1 चम्मच, ताकि ना गोश्त को गला दे, क्योंकि दही बहुत अच्छे से गला देती है। दही और नींबू का हम यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो गोश्त वगैरह होते हैं ना वो अच्छे से गल जाए, तो इसीलिए अभी हम इसको मैरिनेट करके रख रहे हैं अच्छे से एकदम मस्त। चलो मैं मिक्स करती हूँ, इसकी हड्डियां मुझे चुभ रही है, और यहाँ मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये देखिए, अभी मैं एक हाथ में फोन पकड़ी हूँ तो कोई नहीं, अभी धीरे धीरे मिक्स करती हूँ, आप लोगों को पूरा मिक्स करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया मसाला अच्छे से, देख सकते हो आप लोग मसाला मस्त इसको पकड़ लिया है। अब मैं इसको रख दे रही हूँ अंदर फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो। इसको मैं ढक के रखूंगी ताकि गोश्त का पानी यानी जो छूटना है छूटे और नमक अच्छे से पकड़ ले, बस ठीक है। अब हम मिलेंगे रात को इसको शैलो फ्राई, फ्राई समझ लो या मैं जैसा भी, इसको मैं तंदूर की तरह मेरे फ्राई पैन के ऊपर भूनूंगी, और कुछ नहीं, फ्राई पैन के ऊपर मैं इसको मस्त भूनूंगी तेल वेल डाल के अच्छे से।
ताकि मस्त देखते कैसा होता है। और एक आध सोच रही हूँ एक आध पीस ऐसा मैं फ्राई भी करूंगी, अगर होगा तो देखेंगे खाने में कौन सी चीज कैसी लगेगी दोनों में। यहाँ अभी फिलहाल के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी, साथ में खाने के लिए यही चाप के, तो देखो इसको मैरिनेट किया, इसमें मैंने अभी आधा नींबू भी निचोड़ दी। अभी सोच रही हूँ इसको पकाऊं तो किस तरीके से पकाऊं, देखते हैं। अभी मुझे ना बिल्कुल नहीं चाहिए कि चाप कच्ची रहे या गोश्त उसका कच्चा रहे, या जानू मेरे पे इल्जाम लगाए कि तुमने कच्चा छोड़ दिया, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, तो मुझे बहुत सोच समझ के पकाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कुकर में पकाऊं, कुछ गरम मसाले डाल के तेल डालूं, कुछ ऐसा मेरी मतलब क्रिएट करूं, क्योंकि फ्राई पैन पे बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा गोश्त को गलने में, वही चीज अगर मैं कुकर में करूंगी तो फटाफट हो जाएगी और सुक्का टाइप अच्छा मस्त बनेगा। तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, अभी पहले खिचड़ी बन जाए हमारी, उसके बाद फिर हम इसका इंतजाम करते। तो ये मैं अभी चाप की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा अलग ही कर दूं इस बार, चाप का जब भूना टाइप बना रही हूँ मैं सुक्का एकदम। तो चलिए ट्राई करते हैं हम, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, आप लोग ने भी अलग अलग टाइप से बनाए होंगे पर मैंने ऐसा मतलब अक्खी चाप कभी नहीं बनाई हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अपने तरीके से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ उसको कुछ ऐसा डिफरेंट करूँ ना कि खाने में टेस्ट थोड़ा अलग आए। तो हम शिमला मिर्च काट रहे हैं, आधी शिमला मिर्च ले ली हूँ मैंने, ये मैं थोड़ा ऊपर से डालूंगी चाप भूनने पे ताकि इसका टेस्ट आए थोड़ा अलग मस्त। और मेरे शोहर जी को मेरे जानू को पसंद भी है बहुत शिमला मिर्च वगैरह। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी चाप कैसी बनती है टेस्ट में कलर में, लेट्स सी। तो ये मैंने टमाटर दो ले लिए हैं बड़े वाले और इसको बड़े बड़े टुकड़े में मैंने काटा है, और ये मैंने ले ली हूँ आधी शिमला मिर्च और दो बड़ा कांदा, और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। चलिए मैं आपको बनाने के टाइम दिखाऊंगी अभी। तो ये देखो मैंने आज सादी खिचड़ी बना रही हूँ, मेरी सादी खिचड़ी तैयार होना है, इसमें मतलब मैंने हल्दी हल्दी कुछ नहीं मिलाई हूँ। चलिए इसको दिम दम करते हैं, और यहाँ मैंने रख ली कुकर, अब इसको गरम कर रही हूँ। और यहाँ मैंने निकाले हैं थोड़े मसाले, मैंने एक तेज पत्ता ली हूँ, एक सूखी मिर्ची और कुछ थोड़ी बहुत काली मिर्च, 10-15 पकड़ लो काली मिर्च मैंने ली हूँ। आउ चटका लग गया मुझे यहाँ से, छोटी सी दालचीनी, एक बड़ा बड़ी इलायची, पाव चम्मच शाहजीरा और पाव चम्मच जीरा मैंने लिया है। ये मैंने ले लिया दो चक्री फूल, चक्री फूल आप कभी कभार ज्यादा डालोगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि थोड़ा स्वीटनेस सा टेस्ट देता है, हल्का कलर भी देता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो चलो हमारा गैस गरम हो गया, अभी इसमें हम डालते तेल। तो मैंने मिक्सअप तेल डाला, थोड़ा सा मेरा फ्राई का तेल कल का रखा हुआ था तो वो चिकन फ्राई का थोड़ा तेल ले लिया मैंने, बाकी का सादा तेल इसमें मैंने मिक्स कर दिया। और ऑलमोस्ट मैंने समझ लो 3 बड़े चम्मच तेल लिया है, क्योंकि मुझे ऑयल ज्यादा चाहिए इसीलिए। मैंने खिचड़ी के लिए जो लहसुन और हरी मिर्ची को चॉप किया था इसमें चॉपर में मेरे वो, और थोड़ा सा मैंने घिसनी से अदरक घिस लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा अक्खा मसाला भी चाहिए, इसकी खुशबू भी चाहिए, सब खत्म हो गया था। तो मैं मार्केट जाकर के मैंने सब चीज लेकर के आई और मेरा राशन भर दिया मैंने, कांदा टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्ची कोथमीर और पता नहीं क्या क्या, मतलब यही सब चीजों में मेन लहसुन और 2-3 टाइप की भाजी लेकर आई और ये सब भी लेकर आई। तो इसीलिए अभी थोड़ा चॉपिंग भी डालूंगी मैं इसमें, तो थोड़ा तेल हो जान दो फिर हम डालते हैं हमारा पहले गरम मसाला। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सी कुकर में पानी रह गया था, मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं दी इसीलिए थोड़ा चरचरा रहा है वो, कोई बात नहीं। जी हाँ, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था कि मेरे पुलाव में कौन सी मेरे से एक मिस्टेक हुई, जो मैंने सब ऐसे स्टेप बाय स्टेप डाला था लेकिन एक चीज थी जो मैंने आगे पीछे गलती से मैंने डाल दिया, लेकिन बाद में फिर भी मैंने उसे ठीक कर दिया, तो बहुत से लोग ने सही जवाब दिया और बहुत से लोग नहीं समझ पाए, मैंने नमक की बात नहीं करी थी मैंने बराबर, बहुत से लोगों ने बोला कोथमीर, मुझे पहले कोथमीर डाल के चावल को हिलाना था, उसके बाद मुझे अंडे डाल के दम लगाना था वीडियो बनाने के चक्कर में, और इनको लगी थी जोर के भूख खुशबू आ रही, नींद से उठ के बार बार बोल रहे बना क्या, वो चक्कर में मैंने पहले अंडे डाल दी फिर ऊपर से कोथमीर डाल के मैंने हिला दिया, बट मैंने टूटने नहीं दिया और मेरा परफेक्ट बना अल्लाह का शुक्र पुलाव। तो ये था हमारा आंसर कि भले ही मुझसे कोथमीर और अंडा आगे पीछे डालने में हुआ, बट मैंने डाल के प्रॉपर उसको सही कर लिया। तो ये हमारा गरम हो गया है, आओ डालते हैं गरम मसाले। तो ये हम डाल रहे हैं और ध्यान रखिएगा
देखो मैंने ना ये क्या बोलते कश्मीरी सूखी मिर्च लिया मैंने कश्मीरी, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होती है लेकिन ये कलर देती है, तो इसलिए मैंने ये डाला। इसकी मेरे बीज भी थी ना थोड़ी, तो ये भी मैंने थोड़ी ले ली टेस्ट के लिए। तो चलिए डालते हैं हमारे गरम मसाले, अच्छे से फूट रहे। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें कांदे और हमें ज्यादा लाल नहीं करना रहेगा कांदों को। मैंने देखो बड़ा बड़ा मोटा मोटा काटा, मैंने ना पतला पतला नहीं काटा कांदा, थोड़ा हल्का मोटा है। देखो हमारा कांदा हल्का सी गुलाबी जैसा हुआ है, तो मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्ची, लहसुन का कूटा हुआ और हमारा जो अदरक घिसा हुआ था वो। बाकी का मैं इसका डालूंगी अभी कटोरे का, लेकिन आप लोगों को पहले दिखा दूं क्योंकि फोन पकड़े पकड़े मैं नहीं कर सकती, आप लोग समझ सकते हो। तो इसको हमें खाली एक ही मिनट पकाना है, इससे ज्यादा नहीं। हमें इसमें मसाला कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे चाप में सारे मसाले डले हुए हैं, पीसे हुए और अपना पूरे कच्चे सारे मसाले। हमें बस कांदे के अंदर हमारे चाप को डालना है और ये मैं ऊपर से डालूंगी चाप के टमाटर और ये, क्योंकि मुझे एकदम अच्छे से गलाना नहीं है। चाप गलानी है, टमाटर वगैरह मुझको सालन नहीं बनाना है, इसीलिए मैं कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ और गवाह आप लोग रहोगे क्योंकि आप लोगों के सामने कर रही हूँ। तो अच्छा रहे या बुरा रहे, जैसा भी रहे, हमारा एक्सपीरियंस आपस में हमारे साथ का रहेगा, ठीक है। तो बेटा जाओ, जाके वहां बैठो। तो चलिए अभी हम डालते हैं हमारे चाप को, है ना। तो ये देखो मैंने इसको अच्छे से हिला लिया, ठीक है। आउट चट्टा लग रहा है मुझे, मेरे यहीं खड़ा ना तो संगलम नहीं रहा। चलो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटोज हमारे, दो बार आज मुझे चटका लग गया। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसी ढाकेंगे, थोड़ा मसाला हल्का भून जाए, फिर उसके बाद हम इसको सीटी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये आप लोग देख सकते हो, देखो मैंने थोड़ा टाइम के लिए खाली मुश्किल से दो मिनट के लिए मैंने ऐसा बंद किया था और इसको मुझको भी एक हाथ से जमेगा नहीं। आप लोगों के सामने मैं डाल दे रही हूँ शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मैंने डाला और इसको हिला लो आप लोग अच्छे से, ठीक है। और अब हम इसमें थोड़ा सी पानी डालेंगे पाव गिलास और हम लगाएंगे इसको दम। मैं इसमें नमक ज्यादा नहीं डालूंगी, लास्ट में हम चेक करेंगे पूरा बनने के बाद। ये मैंने पाव गिलास पानी डाला, हल्का सी हम इसको मिक्स करेंगे। बड़ी बड़ी अक्खी अक्खी चापे ना तो हिलाना थोड़ा मुश्किल है, पर देखो फोन पकड़े पकड़े मैंने आखिरकार कर लिया, ये मुझे आइडिया मिल गया। अब हम इसको लगा रहे हैं दम, लगाएंगे सीटी। चलो ये आप लोगों को खिचड़ी का भी मंजर दिखाती हूँ साथ में। आ हा 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 हा, सादा चावल टाइप पुलाव टाइप लग रहा है। मैंने एक्चुअली इसमें अभी हल्दी हल्दी कुछ भी नहीं डाला ना, मेरे को ऐसी सादी बहुत पसंद है, ऐसी चाप्स के साथ में ऐसी खिचड़ी खाने बहुत मजा आता है बहुत। तो आइए आप लोग खाने और देखते हैं। देखो सीटी लग रही है, लग जान दो फिर हम देखेंगे कैसा बनता है। चेक कर रही हूँ मुझे कहीं नहीं, मैं नहीं खाती बकरा, तुम खाओगे। देखो अभी चेक कर रही थी कि कहीं मसाला वसाला तो नहीं जला, मेरे को ऐसा लगा पर नहीं जला। तो ये देखो वाह वाह वाह, मस्त भूज लिया मैंने, ऐसे ही चेता मुझे। देखो सूख गया मसाला पूरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोथमीर और ये स्प्रिंग अनियन, ठीक है। चलो ऐड करते हैं। मैंने चॉप करके इसलिए रख दिया था, अब इसको एक मिनट तक ऐसे भूज के फिर मैं जानू को देती हूँ सजा के और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो मैं कोयला गर्म कर रही हूँ, मुझे देना हल्की सी भाप, मजा आएगा थोड़ा कोयले की भाप में। तो ये मैंने डाला, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी घी, घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके। अभी देखना इसको बुझाऊंगी ना ढकने से पहले, इसलिए मैंने ले लिया। ये हुई ना बात। तो मैंने कोयला यहाँ निकाल लिया, मस्त स्मोकी फ्लेवर खुशबू भी आ रही है और देखो चाप को। और यहाँ पे मस्त मैंने चावल निकाला, अभी निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। जरा एक पीस पहले जानू को निकालूं। अरे यार आ बराबर हाथ में। हाँ
चलो देखते खाके कैसा बोलते। अलग बनाई ना, आज कुछ अलग बनाया, आज खिचड़ी बनाई हूँ लेकिन थोड़ी अलग क्योंकि ऐसा है ना इसलिए। खिचड़ी गोश्त नहीं, मस्त मैंने ककड़ी वकड़ी भी रखी तो स्टार्ट कर दिए मेरे जानू ने। गोश्त गला क्योंकि गोश्त अगर हाथ से थोड़े टूट गया तो मतलब गोश्त गला है ना, टूट गया। इसीलिए तो तुम्हारे को पला निकाल के दी बिस्मिल्लाह। ककड़ी भी खाओ, ककड़ी में डाला मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाले वाली बनाई तुम्हारे लिए। अच्छा लगा तुम्हारे को ऐसा वाला सुक्का सुक्का? उस दिन मांग रहे थे ना तो मैंने चाप को ऐसा बनाई, तुम्हारे को बहुत शौक था ऐसा चाप खाने का कि मैं उठा के खाऊं ऐसा, तो हल्का सा मसाला भी है उसमें मेरे जानू के लायक। स्पाइस मुझे नहीं पता कैसा है क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, नो डाउट, बट मैं बनाती हूँ। नो क्वेश्चन, नो एनी डाउट। नमक अम्मक, नमक का मुझे बहुत टेंशन रहता है। ओके ठीक है चलो बिस्मिल्ला करो। आओ आप सब भी हमारे साथ खाने के लिए इसको ट्राई। आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मसाला भी नहीं खाती मैं जल्दी। ऊपर चलो थोड़ा सा, बिरयानी का टेस्ट आ गया हमको। ककड़ी लवली। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। खिचड़ी मैंने एकदम सिंपल बनाई लेकिन बहुत मस्त बनाई, अच्छी लगी ना खिचड़ी। सिर्फ अदरक घिसी हुई, बाकी आप लोगों ने देखे दो कांदा काटी थी, लहसुन और हरी मिर्ची को खचर खचर में मेरे, उसको मैं खचर खचर बोलती हूँ, चॉपर में चॉप कर लिया था अच्छे से और ज्यादा लाल नहीं किया। कांदा सब अच्छे से भून के खाली, लाल मसूर की दाल और चावल दाल के पानी बराबर से लगा के मैंने वो कर दिया, अच्छे से पका के दम लगा दिया और थोड़ा सा खाली काली मिर्च और नमक जीरा डाला था मैंने और कुछ भी नहीं। तो खिचड़ी तो मेरी औसम बनी है शादी वाली, उसके साथ में ये मसाले वाला सुक्का चाप इतना अच्छा लग रहा है, मतलब गोश्त तो मैं नहीं खाती चलो, पर इन्होंने मसाला मुझे टेस्ट कराया। ऊपर से मैंने जो कोयले की भाप दी हूँ जानू, उससे मस्त फ्लेवर स्मोकी एकदम टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, डेक के जैसा वाला, तंदूर के जैसा वाला टेस्ट आ रहा है तंदूर वाला। तो आप लोग जरूर ट्राई करो, कैसा लगा कैसा नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे आज मैं कुछ क्वेश्चन सोच रही थी पूछूं कि नहीं पूछूं, मैंने जानू से डिस्कस किया, जानू बोले आज के वाले में क्वेश्चन मत पूछो, अभी इसके बाद मेकअप का बनाना तो बोले उसमें पूछो बोले। तो आप लोग का क्या सवाल है जरूर बताना, आप लोग क्या ऐसा देखना चाहते हो मेरे हाथ का खाने में। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी बनाने का, अगर मुझे नहीं आता रहेगा तो मैं सीखूंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगी जी। बाकी का मुझे अच्छा लगा। नहीं नहीं आप खाओ, आप लोग भी खाओ और जरूर बताना। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे या तो कुक के साथ या तो लुक के साथ। गुड नाइट।